Hello all, we've got Abdullah Shafiq with us. Any questions in English first? Hi, do we have any questions in English? Bharat, yes, go on. Thanks, boss. Hi, Abdullah. Just a quick question. I mean, we saw Mitchell Swepson bowl a lot from around the wicket, and do you think the rough areas have started to, you know, create some drama? Is the ball doing enough at those rough spots? They have got only that chance using the rough area there. So yeah, we have planned according to the pitch there, and we decided to play that bowls, rough bowls with the pads and go through that situation. And yeah, we did pretty well there. Just any one more quick questions in English? Sorry, Bharat, one please, more. Can you please keep it to one, because we are short in time? I'll try and come back to you if you have time. If there's no more question in English from anyone else, we will move to Urdu. Ji, Imran, sawal kare apna. अब्दुल्ला, जबरदस्त बैटिंग की आपने बाबर आजम के साथ, और अब पाकिस्तान की पोजीशन हमें लग रहा है कि बेहतर हो गई है. तो कल पहला सेशन बड़ा की होगा, समझते हैं कि अभी चांस है पाकिस्तान का, 314 रन चाहिए पाकिस्तान को, तो जीत पर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल, पहले जैसी सिचुएशन थी, काफी क्रूशियल सिचुएशन थी और जैसे हम बैटिंग करने के, बट ये है कि बीच में मोमेंटम हमारा अच्छा रहा और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, जिससे टीम को भी हो पाई है. और इंशाल्लाह कल जो स्टार्टिंग सेशन है, ऑब्वियसली वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और कोशिश करेंगे कि जैसे फोकस के साथ खेलें, ऐसे ही खेलें. शाबाश, सवाल करें. बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है अपने माइक्स म्यूट कर लें प्लीज. जी अब्दुल्ला, आपकी टी पे जब आप लोग गए थे, तब आपकी बाबर से एक डिस्कशन चल रही थी जब आप लोग अंदर आ रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या बात हो रही थी उस वक्त, क्योंकि आप लोगों की पार्टनरशिप उस वक्त नई थी. जी बिल्कुल, यही बात हो रही थी कि अब थोड़े हम सेटल हुए हैं, तो कोशिश करें कि ये जो टाइम है, और जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक है, वो जैसे कि रिवर्स स्विंग कर रहे थे, तो कोशिश कर रहे थे कि वो टाइम अच्छे से टैकल करें, और वो हमने किया और उसमें साथ स्कोर भी किए, तो अच्छे से उस सिचुएशन से हम गुजर गए. मुजम्मिल और फिर फैजान. अब्दुल्ला, बाबर ने आपको हमेशा से ही बहुत सपोर्ट किया, बड़ा आपको बैक किया, मैचेस में चांस दिया, तो उनके साथ क्रीज पर बैटिंग करना, और वो किस तरीके से खुद मतलब आपको आप खुद खेलना खेल रहे थे और उन्होंने सेंचुरी की, उससे कितना कॉन्फिडेंस मिला आपको ऑन द अदर एंड? बिल्कुल, सबको पता है वो बेस्ट बैट्समैन है इस टाइम वर्ल्ड में आते हैं, तो बिल्कुल जब प्रैक्टिस भी होती है, इवन के कोई भी सेशन होता है, तो कोशिश करता हूं कि उनसे काफी लर्न करूं. जी अभी तक काफी सपोर्ट किया उन्होंने, कोशिश यही है कि उनसे और कितना सीख सकूं, सीखूं क्रिकेट के और. जी जुबैर नजीर, शाहिद हाशमी और बासिफ जब्बार. जी अपना क्वेश्चन ये है कि जाहिर है कि आपसे बड़ी होप्स हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सेंचुरी की तरफ फोकस है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्रिकेट एक टीम गेम है, और कोशिश करूंगा कि टीम के लिए जो बेटर हो वो कर सकूं, इसके बाद पर्सनल माइलस्टोन आते हैं, तो कोशिश यही है पहले कि टीम को अच्छी सिचुएशन में लेके जाएं. जी शायद भाई सवाल कर लें. अब्दुल्ला, आप एक लिहाज से तारीख रकम कर चुके हैं, दो बैट्समैन ही हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास पे और T20 पे डेब्यू पे 100 किए हुए, तो क्या पाकिस्तान की टीम कल तारीख रकम कर सकती है? किसी भी टीम ने 418 का टारगेट उससे ज्यादा चेज नहीं किया. जी बिल्कुल, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, कोशिश करेंगे कि अपनी फुल एफर्ट दें और 100% दें अपना. जी बाजिर, सवाल करें, उसके बाद फैजान लखानी, माजिद पट्टी. जी अब्दुल्ला, बाजिफ क्रिकेट हॉलिक से. अब्दुल्ला, मेरा सवाल आपसे ये कि आप काफी टफ सिचुएशन में बैट कर रहे थे, दो आउट हमारे पहले हो गए थे, बट आपको हमने थ्रू आउट द सीरीज देखा है कि आप बहुत काम और कंपोजिट रहते हैं, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है, किस तरह जो है इस सिचुएशंस में आप अपने आप को काम रखते हैं? बिल्कुल, मेरी टाइप भी यही है खेलने की, तो कोशिश यही करता हूँ कि बेसिक से स्टिक करूँ, क्योंकि जब भी प्रेशर सिचुएशन आती है तो वही चीज आपको निकालती है जो आप बेसिक्स पर रहते हो, क्योंकि एट दैट टाइम वही आपको हेल्प करती है, तो कोशिश यही है ठीक है
बॉल को मेरिट पे खेलूं और जैसी सिचुएशन है वैसे खेले और कोशिश करें ये मैच की सिचुएशन अच्छी करे अपने टीम के लिए होता है। जी नेक्स्ट सवाल माजिद भाई सवाल कर लें फिर फैजान। अब्दुल्ला आपने पहले इनिंग्स में तो खैर ज्यादा टाइम नहीं गुजारा क्रीज पे, लेकिन फील्ड में आपने काफी टाइम गुजारा, तो पिच का जो बिहेवियर था शुरू में, अब कुछ आप समझ रहे हैं कि पिच का बिहेवियर चेंज हुआ, ईज आउट हुई है पिच या और मुश्किल हो गई है? पिच तो वही है, बट ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है और विकेट यूज होती है तो वो ज्यादा रफ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है और बॉल भी थोड़ा लो रहता है कभी, तो वो चैलेंजेस हमें आज भी फेस करना पड़े हैं और कल भी करना पड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि उससे उन सिचुएशन से अच्छी तरह से निकले और अच्छा करें एज अ टीम। लास्ट टू क्वेश्चंस फैजान रखानी और फिर सैयद हैदर। थैंक यू इमाद। अब्दुल्ला आप कल का जो आखिरी दिन है कराची टेस्ट का, आप समझते हैं कि आपके कैरियर का सबसे अहम दिन है कल का जो मैच, कल जो दिन होने जा रहा है? जी बिल्कुल, क्रिकेट एक ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट डे होगा कल, क्योंकि लास्ट डे है तो ऑब्वियसली लास्ट डे डिसाइडिंग डे होता है और जैसे की सिचुएशन है क्रूशियल सिचुएशन है, कोशिश करेंगे कि अच्छा खेले, जैसे मोमेंटम हमने इसमें दिखाया तो वैसे ही कैरियर करें और कोशिश करेंगे कि अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। सही रहता है। लास्ट क्वेश्चन अब्दुल्ला, आज आपने बड़ी अच्छी बैटिंग की है बाबर के साथ मिलके आपने, तो आपको कुछ लगा कि आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं वो अब आपकी बैटिंग से परेशान हो चुके हैं और अब वो उस तरह बॉलिंग नहीं कर पा रहे जैसे पहली इनिंग्स में की थी, और कल उसका फायदा होगा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि ये टफ साइड है ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का ना, तो इसको हम इजी नहीं ले सकते। हाँ उन्होंने आज भी आउट करने की कोशिश किया, अच्छी बॉलिंग भी किया, बट ये है कि हम वो सिचुएशन से अच्छा गो थ्रू किया हमने, तो कोशिश यही है कि कल भी वो ज़्यादा लास्ट डे है तो वो फुल एफर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे हम भी कि अपना अच्छा खेल करें और फाइट बैक करें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर एवरीवन हु जॉइंड अस।